गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस इन हिस्ट्री लेसन नंबर 1 द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडिया व्हेन वेयर एंड हाउ। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे कि जो आधुनिक भारत का इतिहास कैसे उसकी शुरुआत हुई, उसके कालखंड क्या थे या उसकी घटनाक्रम क्या थे। यानी कि हमारा एसएसटी में लेसन 1 जो था वो आप पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड 7 में इसके बारे में, और उसी चैप्टर को हम लोग पुनः एक तरह से बोलेंगे कि रिवीजन कर रहे हैं द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडिया व्हेन वेयर एंड हाउ। तो आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट, यानी कि इतिहास जो है वह हमारे बीते हुए कालक्रम यानी कि बीते हुए जो भी हमारी घटनाएं होती हैं उसके बारे में यह बताता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि भारत ने वर्ल्ड कप का मैच जीता, तो भारत ने वर्ल्ड कप का मैच जीता तो वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अब लोग उसके बारे में सिर्फ पढ़ेंगे कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। तो जो भी चीजें हमसे बीत जाती हैं यानी कि जो भी चीजें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं उसके बारे में हम सिर्फ जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री जो हमारा है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग जानकारी लेते हैं हमारे जो भी डायनेस्टी थे, चोल, चेर, पांड्य यानी कि सातवीं, छठी, नौवीं शताब्दी, ये हमारे ईसा के जन्म के पूर्व जो भी हमारे चोल वंश, चोल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, प्रतिहार, गुर्जर जो भी हमारे आए थे, तो उन डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे स्रोत की जानकारी जो हमें है वह हमें रिटन रिकॉर्ड से ही मिलती है या फिर इंस्क्रिप्शंस में, खुदाई में बहुत सारी चीजों के जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्शन है हमारे एंशियंट हिस्ट्री में। उसके बाद हमारा जो पीरियड आता है वह मेडाइवल हिस्ट्री का है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसके बारे में जो हमारा शुरू होता है 1206 से यानी कि दिल्ली सल्तनत से, उसमें बहुत सारे डायनेस्टी आए जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। मुगल डायनेस्टी आया आपको 1526 में, मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे लोग। मुगल डायनेस्टी का जो शासक था यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मुगल डायनेस्टी का जो हमारा फर्स्ट रूलर था वह बाबर था, शेख जहीरुद्दीन बाबर। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि बाबर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब सभी आए और लास्ट जो हमारा मुगल एम्पायर का था वो बहादुर शाह जफर था। और बहादुर शाह जफर को जैसा आप सभी जानते हो कि वो लास्ट मुगल एम्पायर था, उसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उसे बर्मा की राजधानी रंगून ट्रांसफर किया था और जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। तो इस हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे इन सारी घटनाओं के बारे में। आपके बुक ओपन करो अपने, तो बुक में आपके जैसा बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिगैन विद द डेथ ऑफ द लास्ट ग्रेट मुगल एम्पायर औरंगजेब इन 1707। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद यानी कि आफ्टर 5 डिकेड्स बिटवीन 1707 टू 1757 मार्क्स द फॉर्मेटिव ईयर ऑफ ब्रिटिश रूलिंग यानी कि यहीं से ब्रिटिश शासन काल का शुरुआत हुआ और उदय हुआ। हैदराबाद, अवध, बंगाल एंड द मराठास वेयर सॉ द डिक्लाइन एंड डिस्टिंक्शन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का जैसे जैसे डाउनफॉल में वो आ रहा था क्योंकि उसके जो भी रूलर्स थे वो लैविश हो गए थे, वो अपने शासन की प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं चला रहे थे। तो जितने भी ये प्रोविंसेस थे जिसमें हैदराबाद था, अवध था, बंगाल था, मराठा थे, इसमें इन लोगों ने मुगल डायनेस्टी के पतन को धीरे धीरे ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे इस चीज को देखा। इसके बाद
The focus of our study, however, will be on the events that took place during the period of about 190 years between 1757 and 1947, when India became independent from the British rule after a long struggle of freedom. 190 वर्ष तक अंग्रेजों के शासन में भारत में रहने के बाद इंडिया फ्री हुआ ब्रिटिश राज्य से, यानी कि अंग्रेजों के गुलाम राज्य से भारत को मुक्ति मिली 190 वर्षों के बाद, यानी कि इंडिया गॉट इन इंडिपेंडेंस इन 1947, जैसा आप सभी जानते हो, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ सबसे पहले व्यापार करने का फरमान किसने जारी किया था, तो मुगलों ने। तो अंग्रेज जैसे ही भारत में आए तो भारत में वो व्यापार शुरू करना शुरू किया। व्यापार करने के लिए उन लोगों ने फैक्ट्रियां बनाई। फैक्ट्री से तात्पर्य हमारा कोई बहुत बड़े कल कारखानों से नहीं था, फैक्ट्री उस प्लेस को बोलते थे जो एक पोर्ट के रूप में उन लोगों ने स्थापित कर रखा था। पोर्ट पर जहां से वो सामान यहां से कैरी करने जाते थे, सामानों को कैरी करने में स्पाइसेस थे, स्पाइसेस इंडिगो, बहुत सारे जेम्स, कपड़े, मुस्लिम के कपड़े, वो सारे चीजों को यहां से वो लोग कैरी करके ले जाते थे अपने कंट्री में, और वहां ले जाने के बाद वो लोग इन चीजों को महंगे दामों में बेचते थे। तो अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार सबसे पहले मुगलों ने दिया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मुगल वंश का पतन हुआ, यानी कि मुगल डायनेस्टी डाउनफॉल में आया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा मुगल डायनेस्टी समाप्त हो गया, और जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर मुगल वंश का, वह भी बढ़िया से फाइट नहीं कर सका, और धीरे धीरे पूर्ण भारत पर, यानी कि समूचे भारत पर किसका शासन की स्थापना हो गई, ब्रिटिशर्स छा गए और अंग्रेज यहां पर पूर्ण रूप से हावी हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आप बोर्ड पर देख रहे हो, ट्रांजिशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। ट्रांजिशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जब अमेरिकन वॉर हुआ इंडिपेंडेंस 1783 में, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, फॉर्मेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, द टू वर्ल्ड वॉर्स, मीन्स की धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे वर्ल्ड वाइड घटनाएं होती जा रही थी, वर्ल्ड में जिस समय जिस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, वार हो रहे थे, तो यहां पर भी अंग्रेज जो था 17वीं सेंचुरी में, बहुत सारे अगर हम चीजों का अध्ययन करें तो यूरोपियन हिस्ट्री के प्रभाव कंप्लीट रूप से भारत पर हावी हो रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप वाज अ सीरीज ऑफ ग्रेट चेंज व्हिच इन्फ्लुएंस्ड द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई उसमें यूरोपियन सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा छाप छोड़ा किस कंट्री पर, तो इंडिया पर। इट मीन्स वी कैन से दैट ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ए सीरीज ऑफ ग्रेट चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में हम कह सकते हैं कि कंप्लीट रूप से यूरोपियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके बाद इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन आए, बहुत तकनीक पे नए नए ढंग के मशीन आए 18 और 19 सेंचुरी में, एंड दे इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। जैसे जैसे मशीन यहाँ पर आने शुरू हो गए, जब क्योंकि इंग्लैंड में उन दिनों औद्योगिकरण का दौर शुरू हो गया था, नए नए कल कारखाने खुल रहे थे, मशीन लग रहे थे, तो जब औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ, यानी कि उद्योग धंधा लगने शुरू हो गए, तब उस समय क्या हुआ उस केस में कि मशीन से बने हुए सामान का उत्पादन बहुत तेजी से होने लगा, यानी कि मशीन से सामान बन रहे थे, जो हाथ से बनाए गए सामान होते थे उनका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह गया था, क्योंकि डिमांड जो थी वो बढ़ गई थी मशीन से बनाए गए हमारे सामानों की। नेक्स्ट हमारा कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन सिग्निफाई द सब्जुगेशन ऑफ ए कंट्री बाई ए मोर पावरफुल कंट्री। Accounts for many political, economic, social and cultural changes in the country that is ruled, यानी कि बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो बदलाव थे उस अंग्रेजों के शासन काल में ये देखने को हमें मिला, यानी कि we can say that many changes that we observed or saw in the British rule, ये किस प्रकार के चेंज थे, तो पॉलिटिकल चेंज थे, इकोनॉमिकल चेंज थे और सोशल चेंज थे। ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट किए भारत के बहुत सारे वेल्थ को, हम लोग पढ़े भी हैं
ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट द इकोनॉमी ऑफ इट्स कॉलोनी। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे भारत के प्रोडक्शन को, यानी कि जो भी यहाँ पर उत्पादन होता था उसको कैरी करके अपने कंट्री में ले जाते थे और बहुत सारे वेल्थ को, बहुत सारे संपत्ति को यहाँ से वे इंडिया को ले गए और इंडिया से ले गए और बहुत सारे चीजों का उन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन किया। वेल्थ के मायने कॉलोनाइजेशन लेड्स टू पॉवर्टी इन द कॉलोनी एंड थिंग्स प्रॉस्पेरिटी फॉर द इंपीरियलिस्ट कंट्री वेयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो ऑन द रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्स गेन आउट ऑफ द कॉलोनी। जो धन, जो वेल्थ को भारत से ब्रिटिशर्स यहां से कैरी करके ले गए थे, तो भारत से उन लोगों ने इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लॉयटेशन किया और उन लोगों ने अपने कंट्री के प्रॉस्पेरिटी के लिए हर कामों को किया, यानी कि उनके देश में हर चीजों का विकास हुआ, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो या फिर अदर एक्टिविटियों की बात हो, तो हर मायने पर वे हमसे कहीं ज्यादा डेवलप रहे हैं, क्योंकि भारत से धन संपत्ति को वो ले जा रहे थे और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वे कहां कर रहे थे, फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ देयर कंट्री, अपने देश की खुशहाली और विकास के लिए वे सारे कामों को कर रहे थे। मेजर चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड मेजर चेंजेस केम बैक हियर, यानी कि बहुत सारे ऐसे बदलाव यहां पर देखने को मिले। ज्योग्राफिकल चेंज में क्या हुआ कि इन 1757 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ किंगडम एंड प्रोविंसेस। 1757 के दौरान क्या था कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंस होते और बहुत सारे किंगडम होते, वो बटे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद बंगाल अवध एक्सेप्टेड द नॉमिनल रूल टू बी किंगडम ऊपर। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे साम्राज्य जो थे जिसमें अवध था, हैदराबाद था या फिर हमारा बंगाल था, तो ये सारे जो भी हमारे प्रोविंस बटे हुए थे, तो ये सारे रूल ओवर ऑल अदर लोकल किंगडम विच केम टू बी नोन एज द प्रिंसली एस्टेट, यानी कि ये प्रिंसली एस्टेट के नाम से जाने जाते थे। एंड इन 1947 वेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत जब 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ, इट कंप्राइज ओवर 565 प्रिंसली एस्टेट एंड द डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल प्रिंसली, यानी कि भारत में टोटल प्रिंसली एस्टेट्स की संख्या कितनी थी, 565, यानी कि यहां पर जो भी अंग्रेजों ने जमींदारों को नियुक्त कर रखा था, यानी कि छोटे छोटे प्रांत में जो भी हमारे भारत के जो भी राज्य थे वो बटे हुए थे, तो उसकी संख्या कितनी थी, वो टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली एस्टेट्स वेयर 565। अब सेकेंड जो हमारा है वो पॉलिटिकल चेंज है, आप बुक में देखो ये दिया हुआ है पॉलिटिकल चेंजेस। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर द ईईआईसी। हाउएवर आफ्टर 1857 द ब्रिटिश क्राउन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया एंड रूल्ड द कंट्री टिल 1947। आप सभी जानते हो कि सिपाही विद्रोह जो हुआ था इंडिया में वह 1857 में हुआ था, यानी कि अंग्रेजों के भगाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, लेकिन यह जो हमारा रिपोर्ट तो छाया क्रांति जो थी या फिलियर ड्यूरिंग 1857, आप सभी जानते हो कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसमें हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए एक प्लान तैयार किया था और उस प्लान में हम लोग विफल रहे। विफल होने का कारण यह था कि सुनियोजित ढंग से हम लोगों ने उनके खिलाफ प्लान वे में तैयारी करके उन पर हमला नहीं बोला। इसमें हर जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, जैसे बिहार से हमारे जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, लखनऊ अवध से बेगम हजरत महल, या फिर अलग अलग लोगों ने हर जगह से पार्टिसिपेशन दिखाया था। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट इंडियन नेशनलिज्म की। तो इंडियन नेशनलिज्म में द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज वी शैल रीड लेटर वाज द फर्स्ट ग्रेट एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का जो ये रिवोल्ट था वह हमारा पहला विद्रोह था जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इस विद्रोह को ब्रिटिशर्स ने दबा दिया। क्यों दबा दिया? कि पीपुल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया रियलाइज्ड दैट इफ दे स्टूड यूनाइटेड इट वाज पॉसिबल टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। हम लोगों ने ये प्लान करके
हमला पड़ा था अंग्रेजों पर कि अगर देश के सभी पार्टों से लोग अगर ब्रिटिशर्स पर दबाव बनाते हैं, सफेस करते हैं, दबाव बनाते हैं, तो हो सकता है इट मे बी कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि हमारे पास उस समय आर्म्स की कमी थी, कुछ हमारे ही लोग जो थे उस समय वो सहयोग उचित ढंग से नहीं कर पाए और अंग्रेजों ने कंप्लीट रूप से इस विद्रोह को सप्रेस कर दिया, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। तो इन ए लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक वी शैल रीड इन डिटेल अबाउट इंडियन नेशनलिज्म एंड हाउ इट पेव्ड द वे ऑफ ग्रोथ ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री में इस लेसन में हम लोग 6 या 7 लेसन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया और इंडिया जो था वह ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ। इकोनॉमिकल चेंज क्या क्या है, यानी कि बहुत सारे ऐसे चेंज होते हैं जिसमें इकोनॉमिकल चेंज हमारे आए, तो उसमें क्या था कि ब्रिटिश द मोस्ट स्ट्राइकिंग इकोनॉमिक चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड केम इन इंडिया लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि सबसे बड़ा हमारा चेंज जो आया वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द प्री एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ ट्रेड ऑल्सो अंडरवेंट मेनी चेंजेस। व्हेन ब्रिटिश ट्रेडर्स केम टू इंडिया they bought spices, calico and fine cotton cloth and stored them in England। यहाँ पर आपके बुक पर बोल रहा है कि जब ब्रिटिश के व्यापारी यहाँ पर आते थे तो यहाँ से fine cotton cloth, spices इंडिया से इंग्लैंड में ले जाते थे और उसे महंगे दामों में बेचते थे। Later many peasants were forced to cultivate opium which the British sent to China in lieu of tea। यहाँ क्या होता था कि मेनी पीजेंट्स यहाँ अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो यहाँ के पीजेंट को प्रोवोक करते थे, फोर्स करते थे अफीम की खेती करने के लिए और उस अफीम को ब्रिटिश जो थे यानी कि ब्रिटिश के जो लोग थे वो कैरी करके जाते थे कहाँ, चाइना, और चाइना में वो लोग चाय के बदले में अफीम बेचते थे। यानी कि यहाँ से अंग्रेज क्या करते थे कि इंडियन फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन करने पड़ते थे और उन्हें फोर्स करते थे अफीम की खेती करने के लिए और उस अफीम को ले जाकर वे चीन में बेचते थे और चीन से वे उसके बदले में चाय लेते थे। Another striking change was the destruction of traditional industry as weaving, pottery, iron, smelting and brass workers। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ब्रिटिश में यानी कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो वहां पर अच्छे क्वालिटी के यानी कि मिल से बने हुए सामान बनने लगे और भारत का जो उद्योग धंधा था यानी कि भारत का जो हर घर में हस्तकरघा उद्योग डेवलप था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो हमारा हस्तकरघा उद्योग आता था वो कंप्लीट रूप से बेकार हो चुका था क्योंकि उन सामानों की अब पूछ नहीं रह गई थी। तो चरखा से सूत काटा जाता था या फिर ट्वाय बनाए जाते थे, बहुत सारे ऐसे हमारे वर्क डेवलप थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बेकार हो गए। They all were destroyed and this phenomena came to be known as disindustrialization। Gradually the industrialization of India began in the latter half of the 19th century due to the great efforts of J.R.P. Tata। यानी कि प्रथम भारत में जो मिल लगी थी, फैक्ट्री लगी थी वह लौह और इस्पात की फैक्ट्री थी, आप सभी जानते हो कि J.R.P. Tata के अथक प्रयास से due to great efforts of J.R.P. Tata, a plant of iron and steel developed in Jamshedpur in 1911। यानी कि 1911 में जमशेदजी टाटा के अथक प्रयास से जमशेदपुर में 1911 में आयरन और स्टील प्लांट की स्थापना हुई। कल्चरल चेंज में हमारे क्या थे, कल्चरल चेंज में थे कि बहुत सारे ऐसे वी हैव सीन इन प्रीवियस क्लास स्पेशली विद रेफरेंस टू द मुगल्स हाउ न्यू सेट्स ऑफ पीपल ब्रिंग इन देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। बहुत सारे ऐसे हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुए, लैंग्वेज, लिटरेचर, इनफैक्ट इवन द वे इंडियंस ड्रेस चेंज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पर देखो राष्ट्रपति भवन का फोटो दिखा रहा है, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार था, जो आर्किटेक्ट था वह एडवर्ड रुटियंस था और उसी ने इससे बिल्डिंग के नक्शे को तैयार किया था। तो उस समय बहुत सारे हमारे कल्चरल चेंज हुए, आर्ट के क्षेत्र में हो या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हो, लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, तो ये सारे कल्चरल चेंज वेयर हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सोशल चेंज में हमारे क्या थे,
कि सोशल चेंज में बहुत सारे हमारे सोशल रिफॉर्मर जो थे, सामाजिक हमारे जो समाज सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन लोगों को ग्रेट फोर्स थे। बहुत सारे ऐसे समाज में जो हमारे ड्रॉबैक्स फैले हुए थे, कुरीतियां हमारी फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह था, या फिर महिलाओं को उचित ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो उस उन दौरान इन लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और इनकी एफर्ट्स के कारण महिलाओं को समाज में एक उचित भागीदारी प्रदान हुई। चाइल्ड मैरिज जो था, बच्चों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, या फिर अगर किसी महिला का पति डेथ कर जाता था तो महिला भी चिता में कूद कर अपनी जान दे देती थी, या फिर महिलाओं को सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें घर के अंदर से हटवारी रहना पड़ता था। तो इन सारी प्रथाओं का ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन सारे लोगों ने कंप्लीट डट कर विरोध किया और उन्हीं के एफर्ट से ये सारे अधिकार हमें सुलभ प्रदान हो सके। इसके बाद जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स मिले, यानी कि आखिर हम लोग कैसे जाने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानने का सबसे बड़ा हमारा स्रोत क्या था कि बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लेटर, पैम्फलेट्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग एंड स्टैचू वेयर द मेन सोर्स टू नो अबाउट आवर इंडियन हिस्ट्री। यानी कि बहुत सारे ऐसे बुक थे, प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हो गया 15वीं सेंचुरी में, और आप सभी जानते हो कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, जॉन गुटेनबर्ग के एफर्ट से जब हमारे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तो लोग अपनी भावनाओं को धीरे धीरे वो राइट करने लगे, लिखने लगे, और धीरे धीरे लिखते लिखते उपन्यास, नोवेल, कहानियां, ये सारी चीजों को लोग लिखने लगे, समाज में वो सभी किताबों को लोग पढ़ते थे और उनसे उनके माइंड पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा, प्रभाव पड़ा समाज को जागरूक करने का। बहुत सारी ऐसी बुक को लिखी गई है, जैसे देखो नील दर्पण दीप बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई, जिसमें इंडिया में किसान जो नील की खेती करते थे उनकी दशा पर यह चर्चा बुक लिखी गई है, इसमें अंग्रेज किस प्रकार से उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लेटर और पैम्फलेट्स के द्वारा भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो न्यूज़पेपर में समाचार पत्र जो उन दिन निकलते थे, समाचार पत्र में लोग पढ़ते थे, मैगजीन्स थे, मैगजीन्स में लोग अपने आर्टिकल को लिखते थे, लेटर्स और पैम्फलेट्स के द्वारा ये सारे एक स्रोत थे, एक माध्यम थे टू नो द न्यूज ऑफ द सोसाइटी, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तो लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे, जानने लगे। फोटोग्राफ्स, पेंटिंग एंड स्टैचू, फोटोग्राफी वाज ए न्यू आर्ट मीडियम एंड एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एज इट कैप्चर्ड हिस्टोरिकल मोमेंट्स और फैसिलिटेट एट ऑलमोस्ट परफेक्ट हिस्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि फोटोग्राफी, पेंटिंग और स्टैचू के द्वारा लोग जाने समझे अपने इतिहास के बारे में। फिल्म सिवाय बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी, छोटी छोटी फिल्म बनाई गए, जैसे आप देखो यहाँ पे फिल्म जो बनी थी सबसे पहले रिचर्ड एटनबरो ने फिल्म बनाया था गांधी, या फिर एक अछूत कन्या फिल्म बनी थी लव स्टोरी ऑफ एन अनटचेबल फॉर ए ब्राह्मण बॉय, अछूत कन्या जो पिक्चर बनी थी जिसमें लव स्टोरी दिखाया गया है अनटचेबल गर्ल, एक ब्राह्मण बॉय के साथ और एक अनटचेबल गर्ल यानी कि नीची जाति की लड़की के साथ वह प्रेम संबंध को दिखाया गया है, वह जो कमर्शियल सक्सेस। देखो आप अपने बुक को ओपन करो और बुक में ये दिया गया है, न्यूज़पेपर दिए गए हैं साइड में, कौन कौन से न्यूज़पेपर थे, इसके फाउंडर और एडिटर कौन थे, किस लैंग्वेज में लिखा गया है और किस ईयर में ये लॉन्च किया गया है, ये सारे आपको चार्ट में ये दिए गए हैं। सेकेंड हमारा है इसके बाद का टॉपिक मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं इमारत को, बिल्डिंग्स को हम लोग मॉन्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि पुराने समय में बनने वाले जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, बिरला हाउस जहाँ पर गांधी जी की हत्या की गई थी, ऑल दी बिल्डिंग टेल अस मच अबाउट आवर नियर पास्ट, जब हमारे बीते हुए पास्ट के बारे में बताता है, ठीक है, ऑल दी बिल्डिंग टेल अस अबाउट आवर पास्ट दैट वी नो आवर हिस्ट्री, जिससे हम लोग अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक है सर्वे एंड मैपिंग, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। सर्वे एंड मैपिंग के बारे में क्या होता है कि द सर्वे ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन देहरादून, यानी कि भूमि माप से संबंधित जो भी हमारा सर्वेक्षण था उसकी स्थापना कहाँ की गई, देहरादून में, जो डिटेल्ड
मैप ऑफ टाउन्स, विलेज, माउंटेन्स को बताता है। द मैप ऑफ द हैदराबाद रीजन मेड बाय डॉक्टर एच डब्ल्यू वोसी इन 1821। हैदराबाद के शहर के मैप को बताया गया था 1821 में, ये बनाया गया था, ये फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप था इंडिया का। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मैप्स तैयार होते गए, पहले मैप तैयार हुआ टाउन का, उसके बाद विलेज का, उसके बाद रोड का, यानी कि मैप के क्षेत्र में भी धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहे थे। 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन स्टार्टेड, यानी कि 19वीं शताब्दी में जनगणना की शुरुआत हो गई थी और लॉर्ड लिटन ने इसके काम को स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कराया था। मेजर सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में देखो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये आपको दिखा रहा है एनुअल रिपोर्ट्स, अदर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को, यहाँ पे लिटरेरी है और यहाँ पे नॉन लिटरेरी है। लिटरेरी में क्या है कि आपको न्यूज पेपर, पीरियोडिकल टेबल्स, पीरियोडिकल टेबलॉइड्स एंड मैगजीन्स, पैम्फलेट है या फिर ट्रेवलर्स अकाउंट्स है। जो लोग विदेशी जाति भारत में आए उन लोगों ने भारत की इतिहास संस्कृति को देखा, समझा और सुना। और यहाँ पर नॉन लिटरेरी में क्या आएगा, फोटोग्राफ्स हैं, पेंटिंग है और स्टैचू है, इसके बारे में हम लोग देखकर, सुनकर और समझकर उन चीजों को देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे इन सारी चीजों के बारे में, ओके। आप इसको पढ़ोगे वेल बेटर इस चैप्टर को, और पेंसिल से जो इसका इम्पोर्टेंट लाइन होगा उसको अंडरलाइन करोगे, ओके। थैंक यू।